चलिए एक और नए बच्चे से मिलते हैं, कृष्णेंदु, जिनकी ऑल इंडिया 150 रैंक है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है और एनआईटी वो और ये जमशेदपुर से हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको एनआईटी इलाहाबाद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा भगवान को, मतलब जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, मतलब इन पेरेंट्स के चलते मैं आज यहाँ पे हूँ, और मेरे दीदी और मेरे जीजा जी सबको मुझे हेल्प किए हैं, मेरे भैया स्पेशली ज़्यादा, और उसके बाद शरद सर और प्रतीक सर को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके गाइडेंस के बिना ये हो ही नहीं सकता था, मतलब कि इतना इजीली नहीं हो पाता फाइनल ईयर के साथ मेरा। चलो ये बहुत ही अच्छी बात है कृष्णेंदु, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं कि हम माँ बाप सिस्टर भाई जो आपकी इस सक्सेस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं ना, एक बनता है कि आप उनको बहुत अच्छे से थैंक यू बोलो। और ये बात अभी नहीं, पूरी लाइफ भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज तो आपको ठीक है, अभी तो आपने रैंक अचीव किए, पर आपकी ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है अब, क्योंकि आप अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी कंपनी मिलेगी, सब कुछ करोगे, पर ओरिजिन वो ये है। तो कभी भी ये जो आपने आज वर्ड बोला इसको कभी भी मत भूलना। और कृष्णेंदु के बारे में बताना चाहूंगा कि कृष्णेंदु ने बीसीए फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए और ऑनलाइन प्रिपरेशन करके किए, ये बड़ी ही खुशी की बात है। तो कृष्णेंदु, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया, लोगों के कंसेप्ट, मतलब पहले लगता था कि यार कैसे पढ़ाई हो सकती घर रह के, पर पिछले 3 साल में इम्पिटस ने चेंज ला दिया है और आप सब बच्चों की घर पर रहते हुए ईमानदारी से की गई मेहनत का ये नतीजा है। तो कृष्णेंदु मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है वो आप जरूर बताएं, क्योंकि आप जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर में भी एनआईटी है और वहां से भी एमसीए होता है, पर हर बच्चा सोचता है वहां का भी कि हम उससे ऊपर के एनआईटीज में जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये होगा। तो आपने कब एमसीए के लिए सोचा, निमसेट के लिए सोचा, फिर कैसे प्रिपरेशन की और क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? सर सबसे पहले तो जर्नी शुरू हुई थी क्लास 12 से, मतलब क्लास 12 में मैंने बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से किया था, तो मेरे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन आईआईटी का एग्जाम दिया था मेंस का, तो प्रिपरेशन कोचिंग की नहीं थी, तो मुझे पता था कि मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि वो श्योर था। तो फिर जब एग्जाम के रिजल्ट्स आए तो फिर उसके बाद कुछ और एग्जाम्स भी दिए थे मैंने, लेकिन मुझे फिर यूट्यूब में मैं जब देखना शुरू किया तो मुझे पता चला, मैंने सौरभ सर की सी की वीडियोस देखने शुरू की, तो वहां से मुझे सी लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया था। तो फिर शरद सर मिले फिर वहां पे, तो शरद सर से मुझे पता चला कि निमसेट भी एक एग्जाम है और मैं मतलब अपना जो ड्रीम था एनआईटी या आईआईटी, तो मैं एनआईटी जा सकता हूँ इसके थ्रू। तो मुझे मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर जाने के पहले ही मुझे पता चल गया था कि मुझे ये करना है, मतलब कि मैंने पूरा प्लान कर लिया था और मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे लॉजिकल रीजनिंग मेरे अपने मतलब थोड़े स्ट्रांग थे, तो मैथ्स का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे पता चला कि सर का वीडियो देख के मैं कर सकता हूँ, सेल्फ कर सकता हूँ, तो मैंने डिसीजन ले लिया। तो फिर मैंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी, बीसीए की जितने भी मतलब थे कोडिंग वगैरह, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह, हर चीज मैंने अच्छे से पढ़े थे। फिर मैंने मेरा मतलब टारगेट यही था कि मैं फोर्थ सेम में जाके मतलब कि ये स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से पहले स्टार्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। तो मैंने स्टार्ट की, मैंने जनवरी 2020 में स्टार्ट किया था, तो जनवरी पढ़ा था मैंने थोड़ा सा, फिर फरवरी पढ़ा, फिर मार्च में मेरा मतलब वो डिसिप्लिन टूट गया, तो मुझे समझ में आ गया कि डिसिप्लिन टूटने से नहीं चल सकता। तो फिर मैंने फिर अप्रैल में भी वैसे ही हुआ, फिर शरद सर की फिर वीडियो देखी मैंने, तो फिर जब मई में शरद सर ने वीडियो ली तो मुझे फिर पता चला कि नहीं अब तो नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम होने में मतलब मई आ गया, मतलब एक साल बाद तो एग्जाम है, तो डिले करने से तो नहीं चलेगा। तो मैंने शरद सर से कॉल किया, तो मैंने सोचा था कि टेस्ट सीरीज लूंगा, तो मैं टेस्ट सीरीज से मतलब कि मैं उससे डिसिप्लिन रख के कर लूंगा। तो फिर मैंने सर से कॉल किया, तो सर ने कॉल उठाया, तो फिर टेस्ट सीरीज के लिए मैंने कहा, तो सर मुझे कहा कि लाइव क्लास क्यों नहीं लेना चाहते, तो मैं कुछ कुछ बहाना बता रहा था, लेकिन सर एक्चुअली सर तो है एस्ट्रोलॉजर, तो सर पकड़ लिया मुझे सर। फिर एक्चुअली मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो मैं बोल नहीं पा रहा था क्लियरली सर से, तो फिर सर ने वो उसको समझा था, सर ने समझ गया था, तो फिर सर ने मुझे क्लियरली बोला, फिर सर ने हेल्प भी की, तो फिर मैंने लाइव क्लास ज्वाइन किया। और फिर जब जैसे मैंने लाइव क्लास ज्वाइन किया तो मेरा पूरा रास्ता पूरा क्लियर हो गया था, फिर जो यूट्यूब में भटकना था वो पूरा खत्म, उसके बाद पूरा पढ़ाई अच्छे से, मतलब उस टाइम मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब एक चीज बताऊंगा, मतलब मैंने जो प्रिपरेशन की थी तो मैंने एक 80-20 रूल फॉलो किया था, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि अगर 25,000 बच्चे अगर बैठते हैं तो 25,000 में
अगर 80% देखा जाए तो वो 20,000 जो है वो मतलब कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ही नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि वो नहीं पढ़ेंगे तो पहले आउट हो जाते हैं एग्जाम से। तो अगर मैंने वो अच्छे से भी पढ़ा तो मैं कम से कम 5,000 में तो आ ही गया हूँ 20% में। और जब सरा सर की क्लासेस मैंने ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि मैं उसका भी 20% में आ गया, मतलब मैं 1,000 रैंक में क्लियर था मेरा। मतलब मेरे को पता चल गया कि मैं NIT जमशेदपुर तो मैं अपना निकाल लूंगा, मेरा वही टारगेट था सबसे पहले कि मैं जमशेदपुर ले लूँ कैसे, तो मुझे वो मिल गया। तो उसके बाद फिर जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की 2-3 महीना सर के, मैं टॉपिक वाइज जब टेस्ट होने लगे तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी निकाल सकता हूँ। तो मैंने एक लेवल वाइज, मतलब होते हैं ना बच्चे आज के, मतलब गेम खेलते हैं कि पबजी खेलते हैं जो भी खेलते हैं, लेकिन मेरा वो गेम था, मतलब कि मैं एक एक लेवल बनाया था कि मैं ये कॉलेज को एक लेवल बनाऊ, नेक्स्ट को एक लेवल बनाया था। तो मुझे क्लियर हो गया था कि मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी मेरा हो चुका है। तो मैंने फिर उसके बाद और पढ़ाई की, जब टेस्ट सीरीज का टाइम आया, जब मतलब मार्च का टाइम आया, अप्रैल में जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, तो मैंने फिर जब फर्स्ट टेस्ट दिया था तो वो 2020 का टेस्ट पेपर था, तो उसमें मेरे 520 मार्क्स अराउंड आए थे। तो इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं मतलब कि टॉप 5 NITs में आ रहा था। तो देखा जाए तो मतलब मैं उसको मतलब सोच के ऐसा चल रहा था, तो मैं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया था उस टाइम। फिर मैंने सोचा नहीं इतना से नहीं होगा, मुझे तो टॉप 3 में जाना। तो मैंने और मेहनत की, फिर उसके बाद फिर देखा गया तो एग्जाम पीछे चल गए, फिर और टाइम मिला। तो जो मैंने पहले टेस्ट में मार्क्स लाए थे वो मेरे कोऑर्डिनेट मैंने कंप्लीट नहीं किया था उस टाइम पे, मैंने कोऑर्डिनेट बिना ही मार्क्स लाया था। तो फिर जब डेट पीछे गया तो मैं कोऑर्डिनेट फिर टेस्ट के साथ साथ ही पढ़ते रह गया, पढ़ते पढ़ते मेरा मतलब सब कुछ फिर हो गया। उसके बाद जब फाइनल मंथ जो था, तो मैंने जिस दिन मेरा डेट आया था, मतलब जुलाई के एंड में जब डेट आया, तो जून के एंड में डेट आया था, अगस्त में हम लोग का एग्जाम था। तो मैंने जस्ट 1 महीना पहले मतलब कि अपना पूरा, जब जिस दिन डेट आया मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बना लिया कि ये 30 दिन मेरे को क्या क्या करना है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन मैंने जो कहा सर एस्ट्रोलॉजर थे, सर नेक्स्ट डे में मैंने जो जो प्लान बनाए थे हर एक प्लान सर ने पूरे डिटेल में लिख दिया बोर्ड। तो मतलब मेरा पूरा प्लान मतलब पता चल गया कि नहीं, तो मैंने राइट सोचा था और सर ने भी वही बताया। तो मतलब यही है कि मैंने जो भी सोचा आज तक, मतलब सर वो नेक्स्ट डे बता देते थे, वो क्लियर था। तो उसके बाद फिर उसके बाद वो लास्ट मंथ जो था वो मतलब पूरे जितने भी मैंने कोचिंग ज्वाइन किए थे मई 2020 में, तो 1.25 ईयर्स का मतलब मेरा था मतलब पूरा प्रिपरेशन। तो फिर देखा जाए तो वो जो बाकी के साल थे वो मतलब जितने मेहनत किए थे वो पूरे लास्ट के मंथ में पूरा मतलब ऐसा मेहनत किया कि वो पहले का मेहनत पूरा बराबर हो जाना चाहिए लास्ट महीने में। तो वो लास्ट महीना में बहुत मतलब टेस्ट सीरीज दिए, तो मेरे रैंक फिर जो मेरे 60-70s में आते थे तो फिर धीरे धीरे 30s में आने लगे, फिर 20s में आने लगे। और सबसे मेन बात है कि जब लास्ट का जो 5 पेपर्स थे ना, मतलब पहले मेरा स्कोर अटक चुका था, 600 to 500 में मेरा स्कोर मतलब अटक गया था। और सर ने बार बार कहा था कि मत दुखी हो तुम, क्योंकि स्कोर एक टाइम आता है, मतलब पत्थर को मारते मारते ना पत्थर टूटता है। और सर का जो बात था एकदम वही हुआ, और मतलब स्कोर ऐसा बनाना मतलब 700-800 तक उस टाइम छुआ। और फिर दूसरा प्रॉब्लम आ गया, उस टाइम पे स्कोर कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर गलती ज्यादा होने लग गए थे। मैंने पहले गलती कम कर रहे थे, उस टाइम पे गलती ज्यादा होने लग गए। तो फिर मैंने गलती कंट्रोल करना स्टार्ट किया, लास्ट के 5 पेपर्स में मैंने अपने मैथ्स के जो गलती ज्यादा हो रहे थे मैंने उसको कंट्रोल किया, बहुत एनालिसिस किए थे, मतलब 3 to 4 hours का एनालिसिस करना पड़ता था। और फिर टेस्ट पेपर का वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। तो फिर मैंने एनालिसिस किया, लास्ट के 5 पेपर में मुझे अभी भी याद है, जो सबसे लास्ट पेपर था 62 मॉक जो नंबर था एग्जाम के 2 दिन पहले लास्ट मॉक, उसमें मुझे 900 प्लस आया था, मेरे कोचिंग के रैंक 2 थे। मतलब उतना मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं एग्जाम में त्रिची तक मैं सोच के गया था कि मैं कॉन्फिडेंस लेके जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और सर ने लास्ट डे में इतना अच्छा से बताया था कि जो भी तुमने प्लान बनाया ना एग्जाम में जाके, वो प्लान सब उतना मत सोचना, क्योंकि एग्जाम का पेपर 21 का 21 जैसे ही आएगा। और वैसे ही हुआ, मतलब वो पेपर देखने में नया था लेकिन नया नहीं था, वो बस क्वेश्चंस बदल गए थे। तो एग्जाम में मुझे एकदम डर नहीं था, मतलब पिछले रात मैंने अच्छे से नींद भी ली थी, जैसे जैसे सर ने बताया हर चीज सब कुछ सर जैसे बताया थे वैसे हुआ था। और एग्जाम पेपर अच्छे से किया था, कोई टेंशन नहीं था। फिर जब मार्क्स आए तो फिर देखा कि मार्क्स तो ठीक ही थे, मतलब कंपटीशन थोड़ा इस बार हाई था तो इसीलिए थोड़ा रैंक पीछे आया, लेकिन मैंने मतलब तैयारी की थी, मतलब अंडर 100 के लिए सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अभी पता चलता है। वेरी गुड कृष्णेंदु, मुझे आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो कई सारी चीजें पता चलती है। नंबर 1 कि आपने 12th में जब IIT नहीं क्लियर कर पाए तो आपका जो मन में एक वो था कि ड्रीम की मुझे कहीं ना कहीं IIT या NIT जाना है, वो आपने दूसरी तरीके से करा, ऐसा कई लोग कर लेते हैं। और अच्छी बात थी कि आपको 12th के बाद ही ये बात पता थी, भले आपने तैयारी फाइनल ईयर में जाके की, पर क्योंकि वो माइंडसेट था उसका, देखो आपको ये फायदा मिला।
तो जो बच्चे ये सुन रहे हैं, मैं हमेशा बोलूंगा जितनी जल्दी समझ में आ जाए, मतलब फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जब समझ में आ जाए जब से एक्शन ले लेना चाहिए। आपने वो एक्शन ले लिया था पार्शियली कि अपने लेवल पे थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दिया, सब कर दिया। दूसरा आपने एक चीज को और अच्छी बात बोली कि ये बिल्कुल सच बात है कि जब 25,000 बच्चे अगर मान लो एग्जाम दे रहे हैं तो 20,000 बच्चे तो नॉन सीरियस होते हैं कई बार, या कम लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, पर 5-10 हजार तो करते हैं। तो आप अपने आप को ऐसे लेवल बढ़ाते गए तो ऐसा होता है, जैसे अब IIT 10 लाख लोग दे रहे हैं तो 2 लाख बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे और 8 लाख ऐसा नहीं कि सीरियस, पर उनका लेवल और 20% का लेवल में अंतर आता है। तो आपने जो अपने आप को एक तैयारी की ना कि मैं पहले इस कॉलेज में फिर इससे इसमें इसमें इसमें, वो एक चीज कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती गई कि नहीं मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूं, और आपने किया भी तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये रैंक प्लस माइनस तो एक दो क्वेश्चन से हो जाती है, पर अभी भी बहुत अच्छी आपकी रैंक है, 150 रैंक बहुत अच्छी रैंक होती है, और NIT इलाहाबाद मिला आपको, आप इसका मतलब है जमशेदपुर अब छोड़ के जाने वाले हो, तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा आप कृष्णेंदु, क्योंकि मैं आपके हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस आती थी, आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्पेशली उन बच्चों को जो अभी BCA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है कि कब बच्चे को कैसे, जैसे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो क्या स्टार्ट, क्या क्या चीजें हैं जिनको वो स्टार्ट कर दें? जी सर, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं 3 पार्ट्स में बताऊंगा। मतलब एक सबसे फर्स्ट पार्ट है वो है जो लोग फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड सेम मतलब एकदम स्टार्टिंग में BCA का, तो वो लोग प्लीज NIMCET ठीक है, लेकिन वो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा दिन में टाइम दे सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम आप प्लीज मैं बताऊंगा रिक्वेस्ट करूंगा कि C++ डेटा स्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर ज्यादा टाइम दीजिए आप लोग, क्योंकि अगर मान लीजिए कल को अगर MCA 2 ईयर्स का हो जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। और मैंने यही सोच के ही तैयारी किया था कि ऐसा ना हो, लेकिन गॉड्स वेस कि ऐसा नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन आप लोग कीजिएगा। और अगर सेकंड क्राइटेरिया मतलब अगर मान लीजिए अगर आप फाइनल ईयर में हो तो फिर आपको मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम तो NIMCET को ही देना है, क्योंकि आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको फाइनल ईयर के साथ निकालना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप अच्छा से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, हर एक चीज कीजिए, और उसके बाद टेस्ट पेपर्स दीजिए। और हाँ, अगर आप कोचिंग लिए हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं तो बताऊंगा, मैंने हर एक बात सर का माना है, और हर एक मतलब मैंने इतना बताऊंगा, मैंने कोई मतलब मैंने सबको ही सुनाया था, सबसे सुना था मैंने कि सेल्फ स्कोरर करना है या RD शर्मा ऑब्जेक्टिव करना है। मैंने आज तक कोई भी बुक नहीं छुई है, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया उनसे, मैंने सिर्फ सर का टेस्ट सीरीज सॉल्व किया था और उसी से जो भी मेरा रैंक आज है, और ये सच है। बस मैंने फाइनल के टाइम पे मैंने वो सेल्स स्कोरर से मैंने वो फॉर्मूलेस वगैरह ट्रिक्स वगैरह देख लिए थे, मैच कर लिए थे कि कुछ छूटे ना, बस यही बताऊंगा। और हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एक वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा कि टेस्ट सीरीज मस्ट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बिना बहुत कुछ हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सेल्फ टेस्ट सीरीज मिल जाए, सर के तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, या कहीं पे के भी लीजिए, लेकिन हाँ टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आते हैं मतलब जो लोग मान लीजिए ड्रॉपर है, मैं उनको बताऊंगा कि आप प्लीज डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ रिजल्ट आने के पहले मैंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चला कि जो लड़का 100 मतलब जो बच्चा 100 रैंक लाया है और जो लड़का मतलब कि 1000 रैंक पे है, दोनों का मेहनत एकदम सेम है, बस कुछ कुछ गलती के चलते मतलब रैंक का डिफरेंस आया है। और इससे डिमोटिवेट एकदम नहीं होना है, आज अगर आपका 1000 रैंक है तो गारंटी है कि आपको मतलब इतना मेहनत करना है कि आप टॉप 100 में आओगे, मतलब फिक्स है। तो मतलब डरना ही नहीं है। और सबसे और एक अच्छा चीज एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके आपके मतलब शिक्षक अगर सरस्वती सर है जो कि गुरु द्रोण है मान लीजिए, और अगर आपके पेरेंट्स है और आप मतलब आपके पेरेंट्स और फैमिली आपके अगर आपके कृष्ण जी बन के सपोर्ट दे रहे हैं आपको पीछे से, तो आप जैसे अर्जुन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी वॉर को जीतने के लिए। क्या बात बोली कृष्णेंदु, आपने बहुत अच्छी बात बोली और बिल्कुल सही बोला कि अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो उसको पहले अपने पूरे बेसिक्स को निपटा लेना चाहिए, स्पेशली C++, DS। पर यह भी अच्छा बोला कि अगर कोई मान लो फाइनल ईयर में है तो उसको पूरा फोकस NIMCET पर रखना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो बेसिक मैथ्स के साथ C++, DS निपटा लो, और अगर फाइनल ईयर में हो तो आप पहले पूरा NIMCET प्रिपरेशन करो, NIMCET के एग्जाम खत्म होते ही फिर C++, DS को कवर कर सकते हैं। तो कृष्णेंदु बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने काफी सारी अच्छी बातें बताई,
कि अगर सारी चीजें सही मिल जाए, पेरेंट्स का सपोर्ट हो जाए और अगर आपके पास अच्छा मेंटर हो, अच्छे टीचर्स हो और आप प्रॉपर मेहनत कर सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है जो रैंक नहीं ला सकता। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि कई बार 100, 1500 ये रैंक एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन से फर्क पड़ती है। इसका मतलब नहीं होता कि लेवल कम और ज्यादा होता है। ये एग्जामिनेशन हॉल में कई बार हम प्लस माइनस हो जाता है, तो किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। और आई होप कि कृष्णेंदु आपका ये जो बच्चे सेशन देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।